हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटल्य कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर चैप्टर से पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन में एग्जाम्स लिए हैं उनके क्वेश्चन को बनाएंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में स्टडी मटेरियल आरटीपी और एमटीपी में जो सीखा है क्या उससे हमारे आईसीएआई के पास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सॉल्व होते हैं या नहीं होते। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा? पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक जो आता है वो परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्कैनर या क्वेश्चन बैंक हम लोगों को खरीदना चाहिए। क्या हमें सिर्फ अकाउंट्स के ही स्कैनर परचेज करने चाहिए? नहीं, हमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ, इन सभी के स्कैनर परचेज करने चाहिए क्योंकि स्कैनर के बेनिफिट्स बहुत हैं। एक, क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत होते हैं, पीछे के इयर्स में जो लास्ट इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दोबारा पूछता है। सेकेंड, हमें प्रैक्टिस करने के लिए और भी वैरायटी ऑफ सम्स मिलते हैं, इसीलिए हमें क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर परचेज करना चाहिए। ये बेनिफिट के लिए है आपके, प्लस स्कोर करने के लिए कि सर हम और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है मई 2018 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, गिव जर्नल एंट्री, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपको नरेशन नहीं देना है। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, 4 मार्क्स। पहला, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम 3000, बोल रहा है एक फर्नीचर खरीदे हैं उधार में निगम से 3000 में। पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300, बोल रहा है पोस्टिंग किए हैं शुभम अकाउंट में 300 रुपया का। हम बोले सर करेक्ट एंट्री, पहला वाला, फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर 3000 टू निगम, कितने में 3000। रॉन्ग एंट्री, बोल रहा है गलती से शुभम अकाउंट में लिख दिए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम और पैसा कितना लिख दिए 300। चलिए रेक्टिफाई करें, सर फर्नीचर में लिखना था 3 लिखे हैं 300 तो और लिखिए 27, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया 2700। निगम को क्रेडिट करना था, नहीं किए हैं, कर दीजिए निगम 3000। शुभम गलत क्रेडिट है, ठीक करने के लिए डेबिट कर दीजिए 300। ये जो रेक्टिफाइड एंट्री आया है यही क्या है, सॉल्यूशन, जो हम लोग को जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में इस तरह बना के छोड़िएगा, वो एक नंबर नहीं देगा क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं, ये तो वर्किंग है, सॉल्यूशन है ये। और जो सॉल्यूशन है वो कहां लिखा जाएगा? सर एक नए पेज में जर्नल एंट्री के पूरे फॉर्मेट के साथ, तो एक नए पेज में डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट वो लिखने के बाद ये वाला एंट्री जो वर्किंग किए हैं उसको सॉल्यूशन में लिख दिया जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा, पहला हो गया। चलो सेकेंड बात देखें, लिखा है सेल्स रिटर्न 5000 टू ज्योति वाज नॉट इंटर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट दो इट वाज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक, बोल रहा है एक सामान रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कौन? ज्योति, जे वाई ओ टी एच वाई, जो लिखा है वही स्पेलिंग लिखिए, कितने का 5000। रॉन्ग एंट्री, कुछ नहीं हुआ, रेक्टिफाई, तो सर जो करेक्ट एंट्री है वही एंट्री लिख दीजिए, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ज्योति 5000। तीसरा, थर्ड नंबर, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 पास थ्रू सेल्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बेचे तो क्या एंट्री हुआ होगा? सर पैसा मिला होगा 75,000 टू इन्वेस्टमेंट,
60,000 हाँ 75 में जो बेचे हैं 15 का तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल। गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती से आप सेल्स अकाउंट लिख दिए, आपको लगा बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिख देते हैं। तो 75,000 टू रॉन्ग एंट्री क्या हो गया सेल्स। चलो रेक्टिफाई करें, बैंक बैंक कैंसिल, सेल्स अकाउंट डेबिट, हम लोग रेक्टिफाई करने जानते हैं कैसे किया जाता है। टू इन्वेस्टमेंट 60,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल, या आप इसको पीएल भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो उसको सीधा, टू पीएल, ये भी हो जाता। चलो चौथा नंबर पे आए, फोर्थ नंबर लिखा है एन अमाउंट ऑफ 10,000 विथड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। बोल रहा है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, तो एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती से आप डेबिट में ट्रेड एक्सपेंस लिख दिए, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। कितने अमाउंट का 10,000, तो ये था हम लोग का मई 2018 का पहला क्वेश्चन। मई 2018 में दो छो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया था, एक तो ये 4 नंबर का और एक और क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का। पहले इसको लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन, मई 2018 में भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कुल मिला के मई में सर ये 14 मार्क्स का चैप्टर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, मिस डेजी वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। बोल रहा है मिस रोजी जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करा पाई और वो अपना डिफरेंस जो आया ट्रायल बैलेंस में वो कहां लिख दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बोले सर सस्पेंस में लिखना था, वो गलती की है। हम बोले हां, वो गलती से पीएल लिख दी उसको, तो जो पीएल लिखा गया होगा वो किसको मिल जाएगा सर, ओनर को। हम बोले हां, ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर। वेरिफिकेशन कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर। सर ये आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन है, तो क्या करते थे सर, नॉमिनल अकाउंट अगर आएगा तो उसको रिप्लेस करके पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। हम बोले गुड, द फॉलोइंग मिस्टेक वेयर फाउंड। बोल रहा है कुछ गलतियां पता चली। हम बोले ठीक, पहला परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाय रूपीज 8,000। बोल रहा है परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है 8,000, फर्स्ट नंबर। तो सर परचेज में लिखना था 8,000, लिखे हैं आप 0, लिखना था 8,000, अंडर कास्ट हो गया। तो गलती क्या हुआ कि परचेज में आप 0 लिखे। रेक्टिफाई करिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, जी, तो नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि सर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बाद अगर कोई एरर फाइंड आउट होता है तो नॉमिनल अकाउंट नहीं लिखते हैं, उसके जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं। हम बोले हां, क्रेडिट में सस्पेंस क्योंकि क्रेडिट साइड मिला ही नहीं, सस्पेंस। कितने रुपए का 10,000। बीन परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, नाउ रेक्टिफाइड। ये है सॉल्यूशन जो आपको नए पेज में लिखना होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम 2,500 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है एक सेल किए हैं 2,500 रुपया का मिस्टर रहीम को, जिसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। नंबर दो,
क्या हुआ करेक्ट एंट्री, रहीम अकाउंट डेबिट 2500 रुपया का टू सेल्स, ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री हुआ ही नहीं, कुछ किए ही नहीं आप, रेक्टिफाई करो सर। रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट 2500 रुपया। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास, तीसरा आइए पढ़े, लिखा है रिसीप्ट ऑफ कैश मिस्टर फ्रॉम मिस्टर अशोक पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनबू 1200 रुपया। बोल रहा है पैसा मिला अशोक से, तो करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अशोक। रॉन्ग क्या हुआ, बोल रहा है गलती से आप कैश अकाउंट डेबिट तो लिखे लेकिन अशोक के जगह अनबू का नाम लिख दिए 1200। रेक्टिफाई करो सर, कैश कैश कैंसिल, मिस्टर अनबू डेबिट टू मिस्टर अशोक 1200, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर थ्री के बाद पॉइंट नंबर फोर, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। बोल रहा है सेल किए हैं फोर्थ नंबर, तो सर सेल्स क्रेडिट होता है, कितने का सेल किए हैं 4167, लेकिन गलती से कुछ और लिख दिए, गलती में क्या लिख दिए हैं टू सेल्स 4617। तो सर एंट्री में गलती नहीं है, अमाउंट में गलती है, करेक्ट में से रॉन्ग को घटाइए तो सर माइनस में 450 माइनस में आया है, इसीलिए सेल्स जो क्रेडिट में वो कहां चला जाएगा डेबिट में। तो सेल्स क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट 450 और क्रेडिट में कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस 450। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, पॉइंट नंबर फोर भी खत्म। पॉइंट नंबर फाइव, रिपेयर टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 1800। बोल रहा है मशीन का रिपेयर कराएं तो एंट्री क्या होना चाहिए था, रिपेयर डेबिट टू कैश। रॉन्ग क्या हुआ, रिपेयर टू मशीन, सॉरी रॉन्ग हुआ मशीन टू कैश, बोल रहा मशीन अकाउंट में लिख दिए 1200 रुपया। रेक्टिफाई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन, ₹1200। नेक्स्ट उसके बाद फिर लिखा है पॉइंट नंबर सिक्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर ₹3000 एंटर्ड एट सेल। बोल रहा है परचेज किए हैं ₹3000 का मिस्टर पॉल से, लेकिन गलती से सेल्स में एंट्री कर दी। आइए लिखें, पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे क्या परचेज करने का, एंट्री पॉइंट नंबर सिक्स, एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, अमाउंट है 3000। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, मिस्टर पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गलती से सेल्स का एंट्री कर दिया 3000। रेक्टिफाई, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट, तो सर परचेज और सेल दोनों ही क्या है नॉमिनल,
और यहां भी नॉमिनल था तो पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट कितने का, परचेज का 3 सेल का 3 6000 रुपया टू मिस्टर पॉल 6000 रुपया बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। उसके बाद अब क्या होगा, जो हम लोग का सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट का पैसा है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, ओनर को जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले हां। आइए सबसे पहले सस्पेंस का पैसा देखो, क्रेडिट में कितना है 10, क्रेडिट में है 10। उसके बाद फिर से क्रेडिट में है 450, तो 10,000 और फिर प्लस 450, तो 10,450। तो सिर्फ दो ही एंट्री में सस्पेंस है, तो क्रेडिट साइड में है सस्पेंस अकाउंट 10,450 रुपया। क्या इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे? हम बोले हां, इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी, यहां का अमाउंट गलत लिख दिए बाबू, ये 8000 है, 8 था ना, तो 8 ही लिखना था। तो चलिए सस्पेंस का पैसा ट्रांसफर करेंगे, मिटा रहे हैं सबको। सस्पेंस सिर्फ दो ही जगह क्रेडिट हुआ है, कहीं पे भी डेबिट नहीं, तो सस्पेंस में क्रेडिट में कितना पैसा है 8450। एक बार 8000, एक बार 450, तो सब मिला के 8450। तो हम बोले सर सातवां नंबर एंट्री करेक्ट में, ये हम लोग करेक्ट में जाएगा सीधा, सॉरी रेक्टिफाइड में जाएगा सीधा। सीधा रेक्टिफाइड में, तो हम बोल रहे हैं सस्पेंस क्रेडिट है बस दो बार। हम बोले सर इस सस्पेंस का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करेंगे तो सस्पेंस जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा टू किसको दे देंगे, हम बोले कैपिटल में। ये था एंट्री नंबर 7। अगला पॉइंट नंबर 8 जो नो करना है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट बहुत बार हुआ है, उसका बैलेंस भी कहां ट्रांसफर करना होगा सर, उसका बैलेंस भी ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोगों को कैपिटल अकाउंट पे। हम बोले चलो निकाला जाए कैपिटल अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है 8000, क्रेडिट है 2500। तो हम बोले सर पीएल एडजस्टमेंट का सीधा सीधा आप अकाउंट खोल लो। हम बोले ठीक, डेबिट है टू सस्पेंस अमाउंट 8000, फिर पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड बाय रहीम 2500। उसके बाद फिर डेबिट है टू सस्पेंस 450, उसके बाद फिर डेबिट है 1200 से, नाम है मशीन 1200, फिर से डेबिट टू मिस्टर पॉल। ये निकल गया जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा बैलेंसिंग फिगर। चलिए प्लस करें 8, 9, 15, 15,650 माइनस कर दीजिए तो 13,150 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री रिपेयर में भी गलती लिखे हैं, ये वाला अमाउंट भी ठीक लिखी है, गलती लिखा है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन कितना है 1800 रुपया का, रिपेयर जो था वो 1800 का था, पता नहीं उसके ऊपर वाला जो अमाउंट 1200 रुपया गलती से हम वो लिख दिए थे, तो 1800 हो गया, तो फिर तो ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16,250 और ये बचेगा 13,750। तो आठवां एंट्री करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करना है कहां, कैपिटल में। क्या एंट्री होगा, बोले सर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पीएल एडजस्टमेंट कितने रुपए का 13,750। तो ये हुआ हम लोगों का दो एक्स्ट्रा एंट्री जो हम लोग करना था, एक पीएल एडजस्टमेंट का और एक सस्पेंस ट्रांसफर का। थोड़ा अमाउंट में हम गलती लिख दिए थे, एक रिपेयर का अमाउंट 1800 था, गलती से हम 1200 लिख दिए थे, और एक एंट्री जो परचेज वाला शुरू का था वो 8 का था, हम गलती से 10,000 लिख दिए थे। इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए नवंबर 2018 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज एंड ए सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस एग्रीड। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है, फिर कुछ ट्रांजेक्शन है और नीचे लिखा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एवर एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक। तो हम बोले सर क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन अगले साल होगा तो जाहिर सब बात है फाइनल अकाउंट बनने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है। हम बोले हाँ, तो सर पीएल एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे इन प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल, चलो शुरू करें। सबसे पहला लिखा है सेल्स बुक ओवरकास्ट 1000। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। हमको लिखना था जीरो और हम सेल्स बुक में कितना लिख दिए 1000 ज्यादा, ओवरकास्ट हो गया। करेक्ट से रॉन्ग को घटाइए तो माइनस में आया 1000। सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। एक हजार टू सस्पेंस। नरेशन बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, ये आप लिख रहे होंगे, हम जगह छोड़ रहे हैं कि नरेशन आप लिख रहे हैं। नंबर सेकंड लिखा है सेल ऑफ 5000 टू एक्स, एक्स को बेचे तो क्या एंट्री होना था? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000, बट रॉन्गली डेबिटेड टू वाई अकाउंट। गलती से क्या हो गया? बोल रहा आप एक्स के जगह वाई को लिख दिए, क्या दोनों में से कोई भी नॉमिनल है? हम बोले नहीं, सेल्स सेल्स तो कैंसिल ही हो गया, एक्स और वाई तो पर्सनल है, तो एक्स डेबिट टू वाई 5000। तीसरा थर्ड नंबर लिखा है जर्नल एक्सपेंस 180 का, तो सर जर्नल एक्सपेंस डेबिट 180 का, वॉज पोस्टेड इन जर्नल लेजर 810। बोल रहा है आप इसको जर्नल लेजर में कितना लिखे हैं? 810। गलती सिर्फ इसी में है और किसी चीज में नहीं, रेक्टिफाई कीजिए। सर करेक्ट वाले में से रॉन्ग का अमाउंट माइनस करेंगे तो 630 रुपीज नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया है तो क्रेडिट में लिख देंगे, जर्नल एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। कितने का? 630। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस 630। नरेशन बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, आई होप आप नरेशन कर रहे हैं क्योंकि नरेशन करने बोला है क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट बिल रिसीवेबल 1550, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? पी से 1550। वाज पास थ्रू बिल पेबल बुक, बोलता गलती से बीपी का एंट्री आप मार दिए, पी अकाउंट डेबिट टू बीपी, रेक्टिफाई बीआर अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट। टू पी 1550 1550 3100। पॉइंट नंबर फिफ्थ लीगल एक्सपेंस 1190 पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। लीगल खर्चा का हम पेमेंट किए, करेक्ट एंट्री लीगल एक्सपेंस टू कैश
गलती क्या हुआ, बोल रहा है गलती से आप उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिए, मतलब आप उसका नाम से लिख दिए कि मिस नीतू डेबिट टू कैश 1190। रेक्टिफाई लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो उसके जगह क्या लिखेंगे सर, पीएल एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट को हटा दीजिए और उसके जगह क्या लिखिए, पीएल एडजस्टमेंट टू मिस नीतू। सिक्स नंबर, कैश रिसीव फ्रॉम राम वाज डेबिटेड टू श्याम, कैश मिला राम से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अमाउंट इज 1500। गलती क्या हुआ, बोल रहा आप श्याम को डेबिट कर दिए 1500। रेक्टिफाई कैश कैश कैंसिल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, राम 1500, श्याम 1500, टोटल 3000। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 7, व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट पेज, द अमाउंट ऑफ 1235 वाज रिटन एज 1325। हम बोले ओके, पॉइंट नंबर 7 लिखो यहां तक पहले, बोल रहा है परचेज जो 1235 का था उसको आप गलती से 1325 लिख दिए, परचेज कितने का था 1235, गलती क्या हुआ, परचेज को लिख दिए 1325। एंट्री में गलती नहीं है सर, पैसे में गलती है, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस कीजिए, माइनस में आया 90 रुपया, माइनस में आया तो परचेज डेबिट से कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, तो सर परचेज को क्रेडिट कीजिए, परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट 90 रुपया, डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस 90 रुपया लिखिए। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री का बात खत्म। इसके बाद क्या क्वेश्चन मैंने बोला है, सस्पेंस अकाउंट, क्या एंट्री खत्म हो गया, हम बोले सस्पेंस का तो अकाउंट बनाएंगे, उससे जो निकलेगा वो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस बीडी, हम बोले हां, और पीएल एडजस्टमेंट का जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, हम बोले सर उसका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, हालांकि बुक वैसा नहीं किया है, बुक कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो कुछ भी नहीं बोला है कि कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर, पीएल एडजस्टमेंट में जो पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बात ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि सर बुक कभी करता है और कभी नहीं करता है ट्रांसफर पीएल एडजस्टमेंट, वो सिर्फ एंट्री करके छोड़ देता है, तो हम लोग भी इस बात को कंसिडर करते हैं और क्या बनाते हैं, सिर्फ पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट, चलिए पीएल एडजस्टमेंट देखा जाए, सॉरी सस्पेंस का अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बना के देखा जाए। आइए सस्पेंस अकाउंट, चलिए सस्पेंस का नाम ढूंढिए, क्रेडिट में बाय पीएल एडजस्टमेंट 1000। सर इस बार आप सस्पेंस का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं, पिछले बार तो किए थे, हमारे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, पिछले बार क्वेश्चन लिखा था कि जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था उसको पीएल में ट्रांसफर किए थे, मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट था ही नहीं, मतलब कोई बैलेंस बीडी होगा ही नहीं, तो हम बोलते जब शुरू में कोई बैलेंस बीडी है ही नहीं तो आप उसको टैली खुली करा पाइएगा, क्योंकि आप पीएल लिखे हैं तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट का पैसा कहां ट्रांसफर कीजिएगा, कैपिटल में, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में, मतलब पहले से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तो मेरे पास बैलेंस बीडी है ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का, कि सर सस्पेंस अकाउंट का मेरे पास क्या है, बैलेंस बीडी है, तो एंट्री करने से वो बीडी खत्म हो जाएगा, बोले हां। चलिए
सस्पेंस, क्रेडिट मिला, क्रेडिट में लिखें, डेबिट में मिला तो डेबिट में लिखेंगे 630। उसके बाद फिर डेबिट में मिला राम और श्याम के नाम से 1500। फिर डेबिट में मिला 2PL एडजस्टमेंट, ये क्या निकला डिफरेंस, यही ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है जिसको आप बैलेंस बीडी बोल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर्स। ये कैसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर्स, चलिए जोड़ा जाए 3720 माइनस कीजिए तो 2720 ये आया डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये था क्वेश्चन नवंबर 2018 का, लिखो। आइए मई 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, गिव जर्नल एंट्री विथ नरेशन टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये एरर फाइंड आउट हुए, तो सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर एरर फाइंड आउट होता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं। हम बोले बिल्कुल, चलो शुरू करें। पहला, एन अमाउंट ऑफ 4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। बोल रहा है इंटरेस्ट मिला तो क्या एंट्री होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना 4500। गलती क्या हुआ, गलती हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, गलती से कमीशन लिख दिया इंटरेस्ट को। चलो रेक्टिफाई करें, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना चाहिए, नहीं किए हैं कर दो, और कमीशन गलत डेबिट क्रेडिट है ठीक करने के लिए क्या कर देंगे डेबिट। सर इस बार आप पीएल एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है कि रेक्टिफिकेशन आइडेंटिफाई हुआ है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट या नेक्स्ट ईयर, इसीलिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं लेकिन पीएल एडजस्टमेंट यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये बात डिस्कस भी किए हैं कि सस्पेंस अकाउंट तब यूज होता है जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है और फिर आइडेंटिफाई करते हैं ईयर, और पीएल एडजस्टमेंट तब इस्तेमाल करते हैं जब फाइनल अकाउंट बनके कंप्लीट हो जाता है। 4500। सेकेंड नंबर, ए सेल ऑफ 2760 किसको बेचे हैं, सुभाग ट्रेडर डेबिट टू सेल्स, कितने का 2760। बोल रहा है वॉज पोस्टेड टू सेल्स बुक टू दी डेबिट ऑफ मिस्टर सुभांग एट 2670। गलती क्या हुआ, बोल रहा है अमाउंट गलत लिख दिए सुभाग ट्रेडर में, कितना लिख दिए हैं 2670। क्या सेल्स में गलती बोला है, नहीं, रेक्टिफाई करेंगे। सर अमाउंट में गलती है तो करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करो, सेल्स तो कैंसिल हो गया, 90 रुपीज प्लस में, तो सर सुभान ट्रेडर्स डेबिट टू सस्पेंस। नरेशन बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, तीसरा 35,000 का एक एयर कंडीशन परचेज किए हैं पर्सनल यूज के लिए, गलती से मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिए, क्या खरीदे हैं एयर कंडीशन, तो सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000, ये है करेक्ट। गलती क्या हुआ, बोल रहा मशीन को डेबिट कर दिए,
जहां ड्राइंग करना था वहां क्या लिख दिए, मशीन, रेक्टिफाई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू मशीन। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। चौथा लास्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 5000, द सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोल रहा है 5000 रुपया का सामान गुड्स रिटर्न किया है कस्टमर, तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट, टू डेटर जिसको उधार में बेचे थे सामान, रॉन्ग एंट्री, एंट्री ही नहीं हुआ, रेक्टिफाई, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। फाइव थाउजेंड बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। लिखिए, आइए नवंबर 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का बी, करेक्ट द फॉलोइंग एरर, नंबर वन विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, नंबर टू विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। मतलब अगर वन साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस अकाउंट यूज मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, अगर सिंगल वन साइडेड एरर होगा तो बैलेंस करने के लिए क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या हम लोग दोनों बात सीखे हैं? हां, अगर सस्पेंस अकाउंट यूज करने नहीं बोलेगा तो सिंगल साइड एरर को हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट लिख देंगे, और अगर सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोलेगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते थे कि सर जो भी सिंगल साइडेड एरर होता था उसके उल्टे साइड में हम लोग क्या लिख देते थे, सस्पेंस अकाउंट लिख देते थे। बोले हां बिल्कुल। चलिए हम क्या किए सॉल्यूशन के लिए, दो कर लिए अलग अलग, दो बार नहीं करेंगे हम। तो पहला, अगर सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करते तो क्या होता, और सस्पेंस अकाउंट यूज करते तो क्या होता, हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। पहला लिखा है सेल्स बुक हैज बीन टोटल 2100 शॉर्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर सेल्स होता है क्रेडिट, हमको लिखना था 2100, हम 2100 कम लिखे, शॉर्ट लिखे, मतलब जीरो लिख दिए। हम बोल रहे बताओ रेक्टिफाई कैसे करें, सर सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। हम बोले हां, सस्पेंस को डेबिट कर दो, अगर हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 2100 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, नरेशन आप लिखेंगे। लेकिन अगर हम सस्पेंस यूज नहीं करेंगे तो सर फिर तो ये सिंगल साइड रहेगा, टू सेल्स 2100, तो बिना डेबिट का तो क्रेडिट का एंट्री नहीं होगा, तो स्टेटमेंट लिख देंगे क्रेडिट दी सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 2100 टू रेक्टिफाई द एरर। ये खत्म हो गया पहला। सेकेंड लिखा है गुड्स वर्थ रुपीज 1800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बोल रहा है गौरव एंड कंपनी ने गुड्स को रिटर्न किया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी, कितने रुपए का, 1800, रॉन्ग एंट्री, कुछ हुआ ही नहीं तो रेक्टिफाइड, यही होगा, सेम एंट्री यहां लिख देंगे क्योंकि ये वाला एंट्री वन साइडेड है ही नहीं, तो चाहे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चाहे सस्पेंस अकाउंट ओपन ना हो दोनों के लिए यही रहेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट 18000,
गौरव एंड कंपनी 1800 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़े, गुड्स परचेज 2250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर सेन ब्रदर्स। बोल रहा है परचेज किए तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 2250 किससे खरीदे हैं, सेन ब्रदर्स से। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, बोला है सेन ब्रदर्स जो सप्लायर है उसको भी आप गलती से डेबिट कर दिए। चलो रेक्टिफाई करें, पहले सस्पेंस वाला, सर सेन परचेज परचेज तो कैंसिल, सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना था नहीं किए तो कर दो। तीसरा नंबर, कितना 2250 ये, और ये गलत डेबिट है, ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो 2250 4500 रुपए। डेबिट में क्या लिखे, सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस लिख रहे हैं हम लोग। अगर हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं तो क्या करेंगे, तब सर स्टेटमेंट लिखेंगे क्रेडिट सेन ब्रदर्स 2,45,00 टू रेक्टिफाई द एरर। तीसरा भी हो गया, चौथा पढ़ रहे, फर्नीचर परचेज किए हैं 15,000 का, गलती से परचेज बुक में लिख दिए, फर्नीचर खरीदे हैं तो एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम बोले हां कितने का 15,000, गलती क्या हुआ, गलती से आप परचेज लिख दिए, रेक्टिफाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या दोनों जगह, हम बोले हां दोनों जगह, क्योंकि इसमें कोई भी वन साइडेड एरर है ही नहीं, टू परचेज। फर्नीचर डेबिट टू परचेज बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। पांचवा नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट 1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। आपको डिस्काउंट दिया कौन, ब्लैक एंड व्हाइट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का 1200। आगे बोल रहा है इसका एंट्री ही नहीं हुआ, तो सर रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं हुआ, रेक्टिफाई सेम यही लिख दो देख के, ब्लैक एंड व्हाइट डेबिट 1200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तब भी यही एंट्री, ब्लैक एंड व्हाइट डेबिट 1200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1200 बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। सिक्स्थ नंबर, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन 180 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, the account of राधे मोहन एंड कंपनी however been correctly posted। बोल रहा है डिस्काउंट दिए तो क्या एंट्री होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किसको दिए हैं, राधे मोहन को, कितने का 180। गलती क्या हुआ, बोल रहा आप डिस्काउंट लिखना ही भूल गए, लेकिन राधे मोहन को आप लिखे करेक्टली पोस्टेड है वो 180। रेक्टिफाई करिए, सर डिस्काउंट को डेबिट करना चाहिए था,
डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय रूपीज 180 टू रेक्टिफाई द ईयर। और अगर हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देते और क्रेडिट में लिखते सस्पेंस अकाउंट 180 180। तो ये था सिक्स नंबर का आंसर। सब में नरेशन आपको लिखना, नरेशन का जगह छोड़ दिए कि नरेशन आप खुद लिख सकते हैं। चलिए ये क्या खत्म हुआ हम लोग का नवंबर 2019 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आया था, लिखो।